We are scaring and you guys are good. ये average आज दी date तो बीच में वही 7-8 लाख। एक भी दिन road के ऊपर नहीं चलाया। मैंने तो भाई खुद ही अभी Australia की trekking। Michael! ओहो, आप लोग कहाँ खड़े हुए आगे? कौन रखे क्या कैमरा यहाँ पे? ये किसकी चाल है? सुबह सुबह मेरा कैमरा बाहर। भाई मौसम देखो मौसम। ये वाली जो feeling है ना? बेस्ट फीलिंग है। और घर के बिल्कुल पास देखो ट्रैम है, यहाँ पे हर 5-10 मिनट में ट्रैम आती है। एक घर के बिल्कुल पास ही है भाई, बड़ा मजा आता है इसको देख के। अभी ये तो माल गाड़ी है ना, हर 2-3 मिनट में एक पैसेंजर ट्रेन भी आती है, यहाँ से निकलती है। एक ग्रीनफील्ड वाला स्टेशन है हमारे घर के बिल्कुल पास, और यहाँ से ट्रेन निकलती है, 3 मिनट में स्टेशन है। भाई कर दी अपनी रेंज पार्क, माहौल देखो माहौल आस पास वाला, यहाँ पे दुनिया ही अलग है। वो अपनी आंखों को चीज़ अच्छी लगती है ना, वो हरियाली वाली, और ये जो पंछियों की आवाज़ आ रही है पीछे से, और सुबह सुबह वीकडेज है, और हमारे पीछे गाड़ियों देखो कितनी लगी हुई है, मतलब कि नॉर्मल ऐसे ही रहता है यहाँ पे। ये एक पहाड़ी है सामने हमारे, पास में एक कैफे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने की तैयारी है भाई। की इलाके का ना की वाटरफॉल गुली है भाई। एडिलेड शहर का एरिया है कोई, माउंट लॉफ्टिंग की हाइकिंग ट्रेल भी है यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू होती है, गाड़ियाँ पार्क करके लोग गए हुए ऊपर वॉशरूम बना चढ़ाई के ऊपर है। जाने से पहले मतलब कि बोलते हैं कि आपका पेट खाली होना चाहिए। खाने से पहले भाई वर्जिश हो रही है। पेट पूट खाली करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। लगता ना पूरा उत्तराखंड वाला माहौल। ये भाई कल रात वाले परौंठे निकले बाहर। लुक एट दीज लेडीज। हाय हाउ आर यू? We are scaring and you guys are good. उनकी उम्र का हिसाब लगाओ भाई, और 4 किलोमीटर लंबी है भाई। जब 4 किलोमीटर बोला मैंने उसने बोला भाई जाना तो नहीं 4 किलोमीटर। वहाँ से 911 कॉल करनी पड़ेगी, दो बंदे फंसे हुए हैं, लेके आओ नीचे। रास्ते में खड़े होकर लोगों के से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं भाई कि हमारी फ़ोटो खींच लो, हम यहाँ पे आए हैं। हमने बाद में डालना भी है ना, भी हमने ये ट्रेल कर दी है, बस होगी ना अपनी 8 किलोमीटर होगी। हाँ बस 8 किलोमीटर हो गए भाई हमारा। ये तो यहाँ पे चढ़ने वाले ही जानते कि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए ये लोग। इतना नहीं मालूम कि ये सुंदर लोग रास्ते से मुड़ रहे हैं, ऊपर जा ही नहीं गया यार। यहाँ से ना ड्रोन उड़ा सकते हैं, ये वाला एरिया जो है वो ड्रोन एरिया है। हमारे घरों वाली साइड में उधर एयरपोर्ट पड़ते हैं 3, तो पास पास में ही है, तो उनके जोन में अपनी ड्रोन नहीं उड़ती। तो आज हमको मालूम नहीं था कि यहाँ आने वाले हैं, प्लान बना के आएंगे सुबह सुबह, और उस दिन हमने एक दिन पहले परौंठे भी नहीं खाने। फिर देखना भाई हमारी वॉक, देखना हमारी। ये भाई यहाँ का वाटरफॉल है, और ये दरख्त का साइज देखो नीचे से भाई, मेरे ख्याल में 500-700 साल पुराना होगा ये। अभी डाउन पड़ रही है भाई, ब्रेकें नहीं लग रही हमारी। तेरे भी चेंज होने वाले हैं ब्रेक पैड, चेंज होने वाले हैं भाई, ब्रेकें नहीं लग रही। वो वहाँ से आए भाई, वो ट्रेल जा रही है ना वो वाली, वहाँ से आए हम नीचे ऐसे। आज हमने ज़्यादा नहीं किया, 7-8 किलोमीटर ही किया है, अगली बार आएंगे तो 16 करेंगे। आज हमारा वार्म अप था थोड़ा सा। हेलो सर, दिस इज योर चमचास। चमचे तो हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह में चमचे मिलते हैं, और ये हमारा टेबल नंबर है भाई 51। ये देखो, आओ सर बैठो। ये भाई हमारा ब्रेकफास्ट है आज का, स्क्रैम्बल लग गए, और ये मशरूम है, और ये देखो चाहे इन्होंने पत्ते तोड़ के ऊपर रखे लेकिन जज कितने रहे, क्योंकि गोरे देखे गए ना अभी। चूज मैंने नहीं किया, इसने ही चूज किया, अभी खा के पता लगेगा क्या निकलता है इसमें क्या नहीं। बाल्टी भर के चमचे कांटे दिए उन्होंने, देखा बड़ी जबरदस्त स्टाइलिश ही बना के लेके आई थी, लेकिन मैंने मीठे के चक्कर में सारा सिस्टम उसका बिगाड़ दिया। पीना ही जरा कैपचिनो। ये भाई लाटे, वो कैपचिनो वो होती ना जब वो पीते हैं तो जाग लग जाती है मुंह को। भाई पहले कनाडा जाके आया, इसको टिम हॉर्टन के सारी वैरायटीयां मालूम है, कौन सी थी वो? फ्रेंच वनीला। उसका भाई इंडिया वाला हिसाब होता है फ्रेंच वनीला का, जो इंडिया से बंदा आता है उसको टेस्ट सही लगता है उसका। तेरे यहाँ पे कौन सी फेमस कॉफी? बीपी के पंप पे आपको दिखाएंगे, बीपी के पंप बड़े फेमस है यहाँ पे। अभी जब तक ये व्लॉग आपके पास में आ रहा होगा तो मेलबोर्न वालों शायद हम आएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर निगाह रखना भाई, मेलबोर्न से इतने मैसेज आ रहे हैं। मनमीर ये वाला जो हाउस है ये इसको क्या बोलते हैं, बंगलो के हाउस ही है? हाउस ही कहेंगे, बेसमेंट किसी घर की नहीं होती है। नहीं, बेसमेंट। ये भाई ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी किसी भी शहर में बेसमेंट है ही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बेसमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। अभी बेसमेंट बनेगी, सारे घर जो जमीन लेवल के ऊपर ही हैं, डबल स्टोरी होते हैं लेकिन कम है। जैसे ये इनका एक रूम ऊपर है, बाकी नीचे होंगे सारे, ये हमारा भी घर यहाँ पे नीचे ही है सारा। तो ये बाहर इसके देखो, ये ब्लैक वाली पत्थर डाल के, और ये जो घास आपको इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने बाद में सुबह इसको पूछा, ये दूसरा होता है भाई।
मैं हैरान हो गया। मैं हमारा जो घास होता है घर के बाहर वो ऊपर खबड़ होता है, कोई ऊंचा कोई नीचा है ना, लेकिन ये पूरा फ्लैट था। ये भाई बोला कि ये दूसरा लगाया हुआ है हमने, और ये असली है जो बीच में निकले हुए हैं, ये निकालते हैं हम लोग। की कीमत की देख कर आंदी थे नॉर्मल की कितने का मिल जाता घर जे कहने लेना वाले, डिपेंड ऑन एरिया है, मतलब की जदाण जैसे नॉर्मल बंदे ने कर लेना नॉर्मल की एवरेज आज दी डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 7-8 ਲੱਖ ਜਦਾਂ 7-8 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੀਡੀਅਮ ਠਾਕ ਜੀ ਏਰੀਆ ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਲੇਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਅਭੀ ਵੀ ਵਹੀ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਮੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਏਰੀਆ ਚ ਮਸਲ ਲੇਕ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-5.5 ਲੱਖ 5-5 ਫਿਰ ਵਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਤਿੰਨ ਬੈਡਰੂਮ ਥੱਲੇ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਹੀ 5% ਡਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕੰਮ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਓ ਤੇਰੇ ਇਸਕੋ ਸੁਸਤੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਆਜਾ ਕਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਆਜਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰ ਦੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਰ ਦੋ ਵਨ, ਕਿਸੇ ਕਰ ਦੋ ਓਏ 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 ਪਾਪਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ 10 ਵਜਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੋਂ ਕੇ, ਤੋਂ ਕੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਟ ਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਭੀ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅਭੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਗਣਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗੋ ਵੀਰ ਜੀ 12 ਵਜ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਲੈ ਅਭੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ, ਸੁਸਤੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਉਧਰ 10 ਵਜ ਗਏ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, 10 ਵਜੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ ਝਟਕਾ ਝਟਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ 5 ਪਲੇਟ ਪੂੜੀ ਕੇ 10 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ 7 ਕਰਾਂ, 7 ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 7 ਖਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਕਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਅਗਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਾਫ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਹੋਗੇ ਅੜ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਣਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੇਲੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਬਾਈ, ਕੁਲਚਾ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਪੇਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨਵਰਤ ਕਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਰੋਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਰੋਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਐਸੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪੀਛੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਛੇ ਵਾਲੀ ਰੋ, ਇਹ ਐਲਸੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਐਲਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਕੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਬ 300 ਕਿਸੇ ਪੇ ਅੰਕਲ ਲਿਖਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੇ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਣੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਬਸ। ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੀਛੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮ ਰੋਡੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗਾੜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ V8, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਥੀ ਪਹਿਲੇ, ਅਭੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਾੜੀਆਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੀ ਗਾੜੀ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਹੋਗੀ, ਹਾਂ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਭੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਸਕੀ ਉਰਸ ਹੈ, ਮਕਲੈਰਨ ਦੂਸਰ ਮਕਲੈਰਨ, ਇਹ ਇਹ ਰੇਅਰ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਰਸ? ਉਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੜਾ ਜਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਗਾੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਾੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਕਲੈਰਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੌਜ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੇਟ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾੜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਖੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗਾੜੀਆਂ। ਮਸਟੈਂਗ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਨੰਬਰੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ 6-7 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਉਹਨੇ 6-7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਕੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਡ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਇਸ਼ਕਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਵਿੰਟੇਜ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਰਡ ਦੀ ਵਿੰਟੇਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਰਸ ਹੈ ਬਾਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪੀਸ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, AMG GLE 63 ਔਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅੰਕਲਸ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਨੈਰੋ ਹੈ, $1,00,000 ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਕੀ ਅਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੀਛੇ ਸੇ ਆਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਵਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰੈਗ ਆਰਥਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਗੂਗਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਫਾਰੀ ਪੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
पूरे मैनिटोबा प्रोविंस में दो गाड़ियां है, मिनी कूपर भी खड़ी है भाई। मैं तो सोचता हूँ मेरा बिस्तरा बुस्तरा इधर ही लगाओ दो दिन के लिए, नींद बड़ी अच्छी आएगी भाई। बस बारियां खोल खोल के ना मैंने देखना ही है गाड़ियों के अंदर जा जाके, बस दैट्स इट। लेकिन इस बंदे की मेहनत है यार, ये बंदे ने मेरे ख्याल 90-95 ट्रक थे ना इस बंदे के, एक टाइम पे थे, अभी इसने कम कर दिया, अभी इसका ध्यान इस तरफ हो गया, अभी ये इस पे फोकस करता है। अभी नई लैम्बोर्गिनी एक बुक कराई हुई है, वो भी यहाँ पे आके खड़ी करेगा ये। ये इस बंदे का ही ब्रांड है भाई, इसको बी डबल बोलते हैं ना भाजी, ये बी डबल है इसके, और इसके हर ट्रेलर के ऊपर इसका नाम होगा, वो देखो ग्रीन ब्लू क्रेग आर्थर। आपको अगर दिखाई दे रहा है भाई, वो सामने फोर ट्रैक्स का नाम लिखा हुआ है देखो। लेकिन यहाँ पे चार लेने, अभी ट्रेन आएगी कहीं से, अगर ड्राइवर सही सलामत हुआ तो आएगी भाई। चार किलोमीटर बनती है कनाडा में, चार नहीं अब लॉन्गेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया भाई, गूगल तो निकलता है 3.5 to 4 kilometers तक लंबी होती है भाई कनाडा में, इतना तो अपने को मालूम ही है। मैं नहीं बोलना, 2011 च 7.5 kilometers 4.53 miles जी, 2011 में 4.53 माइल्स की ट्रेन चलती है। जैसे हम बोलते हैं ना कनाडा में 4 kilometers तक लंबी ट्रेन होती है भाई, सबसे लंबी ट्रेन जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने बनाई है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, मैं इसकी तारीफ कर रहे हैं, सच्चाई है ये, विद प्रूफ, गूगल पे सर्च मारिए। इंडिया अपने शोका ले लेन होती है, शोक ले लेन, उसकी लाइटें होती है ऐसी। ये ट्रक लेने के लिए आए भाई, इसको लेके जाएंगे यार्ड में, लेट्स गो भैया। मेरे को वैसे यकीन नहीं था कि तू ट्रक चला लेता है, लेकिन अभी मैं देख के यकीन कर सकता हूँ कि भाई तेरे पास लाइसेंस है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, हमको आदत हो गई, हमारी सेफ्टी सी लगती है, जैसे वो आगे नाक निकला हुआ होता है ना, उससे ऐसा लगता है कि जैसे हाँ हम सेफ हैं आगे किसी से। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बिना क्लच के डालते तुम लोग भी हैं? बिल्कुल सर। लेकिन ये तो आवाज ही नहीं कर रहा कोई, यार आरपीएम से डाल रहे हो ना, आरपीएम से ही? बिल्कुल सर। मैंने तो भाई खुद ही अभी ऑस्ट्रेलिया की ट्रकिंग ज्वाइन कर लेनी, जैसा हिसाब चल रहा है ना, अभी 2 दिन तो हो गए मेरे को, अगर 2-4 दिन और रहा तो मेरे को काफ़ी समझ लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अपना बिस्तरा बिस्तरा डाल के आराम करते हुए जाया करना भाई, चलाया नहीं करना, मैंने चलाना नहीं है, बस ऐसे पीछे ही लेट के जाना है बस। आप लोगों को जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है कि मैं भी ट्रक में जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको जल्दी बताऊंगा। नॉर्मल से ना ट्रैक छोटे हैं इन लोगों के, ट्रक देखो बिल्कुल साथ में इधर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आगे जगह ही नहीं है, इस तरफ नीचे फुटपाथ बनाया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन रूल जो है ना, रूल काफी मैच करते हैं, रूल है ट्रक की ना सेम फीलिंग दुबई वाली आती है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ये देखो दुबई में सेम ऐसे ट्रक होते हैं, लेकिन दुबई में ये बेड छोटा होता है, ये कमीन साइज बेड लगा हुआ है, देखो कल भी आपको दिखाया था मैंने। सैलरी के बारे में भी जरूर बात होगी, मैंने 2-4 कमेंट देखे कि सैलरी कितनी होती है ऑस्ट्रेलिया वाले ड्राइवर की, जिस दिन ट्रेलर की बात होगी ना ट्रेलर वाले ब्लॉग में डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ भाई सैलरी कितनी होती है, क्योंकि सैलरी का समझ आपको तभी आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये वाला ट्रेलर का नाम क्या है, ये वाला ट्रेलर का नाम क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। ओ गई अपनी बाइक, गई भाई बाइक 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 और रोक भाई। अच्छा जो बाइक होती है इसके पीछे रोड ट्रेन लिखा होता है, जो लंबे दो होते हैं हमारी हमारी वो बाइक होती है। जब से मैं बैठा हुआ ना भाई, एक ही बार गियर ग्राइंडिंग की वाई आई, बंदा मास्टर है गियरों का। ये देखो भाई पीछे पीछे रोड ट्रेन लिखा हुआ है और आगे जा रही है, ये डबल ट्रेलर है 45-45 फीट के दो ट्रक। देखो ओए कैनवर्थ का ओए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे अगर इसने एक और ट्रेलर डालना है उसके रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको एक आध दिन में बताऊंगा पूरा ऊपर व्लॉग बना के, भी हर एक व्लॉग कौन सा ट्रेलर कितना लंबा होगा और कहाँ जाके ये डालते हैं, क्या सिस्टम है, जगह दिखा के लेके आऊंगा। यार हमको ट्रकों से ही प्यार है, आप लोग अभी बहुत सारी जो फैमिलीज भी देखती हैं, अभी आपको लगता होगा कि यार मैं तो ट्रकों में घूमे जा रहा हूँ, देखने मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, भाई ऑस्ट्रेलिया मैं देखने यही चीज़ आया था। अगर इस चीज़ से फ्री हो गए तो डेफिनेटली फिर हम डाउन टाउन वगैरह में जा सकते हैं कहीं, है ना। ये मेरे से वैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को आदत है राइट हैंड साइड से गियर डालने की, मैं लेफ्ट साइड से भी डाल ही नहीं सकता। बट एडी जड़ी गियर स्टिक है ना, ताकि जड़े ट्रक है जड़े जहां इथे लूज कौन ओदी गियर स्टिक सीधी बाहर होंदी, सेंटर च सीधी बाहर होंदी गियर दे विच। ये इंडिया वाली बस की है, इंडिया वाली बस है, इंडिया वाली बस है, मतलब सारे बंदा नॉर्मली चला सकता है। इंजन ब्रेक की आवाज बढ़िया है भाई। लेकिन एक चीज तो ये लोग भी मानते हैं ना कि दिखने में ट्रक जो पीटरबिल्ट या लॉन्गनोज वहाँ के अच्छे ज्यादा है, है ना। और दूसरी एक और बात है, ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना ट्रक स्टॉप उतने बड़े है नहीं हर जगह में जितने बड़े वहाँ पे। क्या हाल चाल जी, आप कैसे हो? ये भाई 2-3 दिन से बड़ा जोर लगाया हुआ था भाई ने, मिलना है मिलना है। एडिलेड का पहला बंदा जो हमको मिलने के लिए आया, वैसे दो तीन मिले थे, रैंडमली मिले थे, तब हमारे पास कैमरा नहीं था। लाइक 2 साल से व्लॉग्स देखता हूं। इधर पहले इतना हैप्पी बर्थडे करिए कैमरा, इधर हैप्पी बर्थडे कर लगे, इधर आ चल जा। तेरा जन्मदिन है आज, कितने साल हो गया? 6 हां भाई, इसका बर्थडे आज, विश करें सारे जन तेरे को। हैं कितने विश चाहिए? 10 पहले
तेरी ध्याना डिगी ना भाई। इसका केक वेक ले गया, इसका बर्थडे, इसलिए देखो कितनी खरमस्ती निकली हुई इसको बंदे को। ओ बड़ा जगह है, बड़ा जगह पहला मुंह कर तड़ी शक्ल नहीं आउंदी यार। सारा पिंड मित्र सुबह भी आए थे भाई यहाँ पे मेडिटेशन करके गए दोनों जने। तुम मारो आवाज, मार लो माइकल, मार लो माइकल। ये भाई वही जगह है, यहाँ पे हम सुबह आए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश हम ऊपर नहीं पहुंच पाए थे यहाँ तक, तो हमने अभी कार लेके यहाँ पे आए। पहाड़ कहाँ गए? रात को यहाँ पे पहाड़ थे। कल वाली वीडियो थोड़ी छोटी सी, लेकिन आप लोग बता देना कि आपको कैसी चीज़ें देखनी है कमेंट सेक्शन में, तो फिर उसी के हिसाब से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें आप लाइक कर रहे हो। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये मेरी चार्जर की वायर है और ये मेरे दूसरे चार्जर की वायर है और ये मेरे को दो मिनट के लिए उधारी चाहिए। ये देखो ये हमने रखी हुई है, तो ये कहती कुछ नहीं, ये ऐसी एक दो कहीं कहीं आपको दिखाई देंगी। ठीक है भाई, लाइक करके जाना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करके जाना। तब तक के लिए अपना और अपने पर का ख्याल रखो, राम राखा। और गोरा साइकिल पे सैर करता हूँ जा रहा है। ये वाली चीज़ मेरे को देखने के लिए यहाँ पे बहुत मिलती है, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो दूर भी लगे हुए, उस घर पे भी लगे हैं, इस घर पे भी लगे हुए हैं। भाई बोलता कि पहले इसका बहुत फायदा था, जैसे जितनी लाइट इन्होंने कैच कर ली, सेव कर ली, फिर बाद में इनके पास में लाइट ज़्यादा हो जाती थी, ये गवर्नमेंट को सेल करते थे, गवर्नमेंट से भी कभी कभी पैसे आते थे, लेकिन अभी फिलहाल बोलते हैं कि वो वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अभी तो लाइट इतनी महंगी होगी कि चाहे सोलर पैनल जितनी भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर भी हमको थोड़ा बहुत बिल आता ही है। और यहाँ पे ये चीज़ें पता क्यों कामयाब है? क्योंकि यहाँ पे वेदर अच्छे हैं, स्नो नहीं पड़ती। Right, left, right, all. Oh.